हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो आपका स्वागत है खुशी किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं मकई चिवड़ा की रेसिपी, जो कि खाने में अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर मूंगफली ले ली है, उसके बाद मैंने यहाँ पे मकई का चिवड़ा ले लिया है, फिर उसके बाद मैंने तेल गरम करने के लिए रखा था। तेल गरम हो गया है, उसमें हम मूंगफली डाल देंगे और इसे तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मूंगफली को हमें कम से कम तेल में 5 मिनट तक फ्राई करना है, तो हमारी मूंगफली एकदम अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी मूंगफली फ्राई हो चुकी है, मैंने इसे तेल से बाहर निकाल लिया है। उसके बाद मैंने उसी तेल में मकई का चिवड़ा डाल दिया है और इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो ये भी इसी तरह से हम सारे चिवड़े को फ्राई कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने इसी तरह से सारे चिवड़े को फ्राई कर लिया है और अब हम मूंगफली और मकई पोहा के चिवड़े को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक हमें थोड़ा सा ही डालना है। फिर हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये चिवड़ा ना चाय के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार ज़रूर घर पे बनाइए। मकई चिवड़ा का पैकेट मिलता है बाज़ार में, उसे लाइए और घर में फ्राई करिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।